नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपसे एक और बात करने के लिए आपके बीच में आया हुआ हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना हुआ है। जैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए एक बात कही जाती है, उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वो बात क्या है कि आपको सर में बर्फ़ रखना है, यानी अपने दिमाग को बहुत ही कूल रखना है। मुंह में मिश्री, यानी आपको बहुत ही मीठा बोलना है। और उसके बाद पैर में चक्का, यानी कि पैर में चक्का, यानी आपको निरंतर लगातार प्रयास करते रहना है। और उसके बाद में एक और चीज़ है पेशेंस, धैर्य रखें। क्योंकि सफलता में बहुत बार ऐसे लोग हैं जो कामयाबी के बहुत करीब होते हैं और लेकिन वो वहीं से क्विट कर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको निरंतर वेट और वॉच करते रहना है, यानी इंतज़ार भी करना है, धैर्य भी रखना है और वॉच करते रहना है कि आपके ग्रुप में कौन कौन लोग कैसे आए हैं, किस प्रोफाइल के लोग आए हैं, और उस पर उन लोगों को काम कीजिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में कहा जाता है कि डायमंड्स लोगों की एंट्री होती है। जब आपके ग्रुप में कोई अच्छा बंदा आए, जब आपके ग्रुप में कोई डायमंड बंदा आए, तो उसके साथ बैठिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ सपने शेयर कीजिए। क्योंकि कब कौन बंदा क्या कर डाले ये आपको हमें नहीं पता है। इसलिए आपको वॉकिंग एंड टॉकिंग, बातचीत करते रहना है, चलते रहना है, वॉच करते रहना है, कि ताकि आप अपने ग्रुप को अच्छे से बिल्ड कर सकें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आपके बीच इसी तरह से आता रहूँगा। आपका दोस्त रविंद्र गुप्ता, नमस्कार।